अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम महमूदा बेगम है। मेरे शहर का नाम अमीर मोहम्मद सलीम है, उनको एमएम सलीम भी पुकारते। और मेरे शहर का इंतकाल हुआ, मेरे को दीदार नहीं करा। दीदार नहीं करा है। मेरे बच्चों को खबरस्तान नहीं बता रहे, वहाँ तो भी जाकर सुकून से रोएंगे बोले तो। बिलावल को इंतकाल हुआ मेरे वाली साहब का, और मेरे सौतेले भाई सौतेली बहनों ने तदफीन भी कर दी, रिश्तेदारों ने इतला भी नहीं की। दूर के रिश्तेदारों से इतला मिली, हम लोग जाके पूछे तो ना हमको खबरस्तान का पता बता रहे और ना ही कोई खबर दिखा रहे। अब खबर का कुछ पता दे दिए तो ज़्यारत करेंगे, कुछ मगफिरत के लिए हम लोग करेंगे ना। वालदा को आखिरी दीदार नहीं कराए मेरी वालदा को, सबसे बड़ी तकलीफ़ ये है। वालदा को आखिरी दीदार कराना था, बशक देते थे मेरे वालदा। हर मियाँ बीवी के बीच में कुछ नाइतफाकियाँ रहते, हर कोई चाहते आखिरी टाइम मगफिरत करे, वो मौका नहीं दिए मेरी वालदा को। खबर भी नहीं बता रहे लोग, सबसे बड़ी मुश्किल ये हो रही। भाई लोग पूछ रहे हैं जाके, हम लोग खबरस्ताने फिर रहे, कोई भी पता आसानी से नहीं देते, होने वाला काम नहीं है। पर यही मुश्किल है। ये मेरी ख़ास अपील है केसीआर साहब से और हुकूमत के जितने भी रहनुमा हैं, ख़ास अपील आपकी। वालदा बराबर है, ये बूढ़ी माँ मेरी, बस ये अपील है मेरी कि हमारे लिए कुछ फ़ैसला करे कुछ अच्छा, ताकि वो लोग आके खबर का पता बता दें हमको। और आखिरी दीदार नहीं कराए, बहुत बड़ी तकलीफ़ है। मेरे वाली साहब का नाम मीर मोहम्मद सलीम है, हम लोग के साथ ही रहते थे। वालदा का इंतकाल, बड़ी वालदा का जब हुआ, आना जाना कम हो गया। टोली चौकी में रहते, राहुल कॉलोनी में, आना जाना उसके बाद कम हो गया। मेरे बड़े भाइयों को मैं एक ही बात कहूँगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में तो पैदा हुए, पर ऐसी घिलौनी हरकत की, अबू जहल वाली हरकत की, उन लोगों ने बड़ी तकलीफ़ दे दी हम लोगों को। मेरी वालदा को भी तकलीफ़ दे दी। तीन बेटे हैं वहाँ पर और दो बेटियाँ हैं, पता नहीं। दूर के रिश्तेदारों में हमारे बहन गए तो इत्तेफाकन मालूम हुआ, वो आखिरी दीदार करा के हो जाता मसला, तो इतने मसले मसाइल नहीं होते ना हम लोग। इसकी वजूहत एक ही है, नहीं बोलने की, लोगों डर है उनके प्रॉपर्टी से, मेरे वालिदा के वालिद के। अगर हमको प्रॉपर्टी की आसरी थी, कुछ पैसों की आसरी थी, तो मेरे वालिद के बाहयात रहते, हम लोग ले लेते थे कुछ भी कर। बस ये डर से उन लोग नहीं बुलाए हम लोग को। हम लोग सात भाई हैं, तीन बहन हैं। यही है मुतालिबा के भाई केसीआर साहब से, सख्त एक्शन ले भाई, दूसरे माँ बाप के साथ ऐसा ना हो। बस दूसरे जो बूढ़े माँ बाप है, एक दूसरे की आखिरी वक्त दीदार करने के लिए तरसते, उनके साथ ऐसा नहीं होना, कोई बेटों के साथ ना इंसाफ ही नहीं होना। हम लोग हमारे वाली साहब की सूरत से लोग को खामोश बैठते थे, इतनी घिलौनी हरकत, आखिरी वक्त भी दीदार करने हम लोग को नहीं दिए। बस सख्त से सख्त एक्शन ले उनके खिलाफ़, बस।